अंक जिन्होंने माधुरी दीक्षित को मशहूर कर दिया, अंक जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि जावेद अख्तर सिर्फ शायराना तबीयत के आदमी नहीं हैं, वो पॉपुलर गाने भी लिख सकते हैं उतनी ही रवानी के साथ। मैं बात कर रहा हूँ गाने 1 2 3 की। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 30 मार्च को बागी 2 रिलीज हो रही है, जिसमें इस गाने का नया संस्करण सामने आ रहा है। मैं आपसे रीमिक्स के दौर पर बात नहीं करूंगा, मैं प्योरिस्ट की तरह छाती भी नहीं पीटूंगा, मैं आपको सिर्फ एक किस्सा और ये मकबूल गाना सुनवाऊंगा। किस्सा ये कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 1988 में रिलीज हुई एन चंद्रा की इस फिल्म की म्यूजिकल सिटिंग में जावेद अख्तर को पाया, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ट्यून क्या है। ट्यून कुछ ऐसी है 1 2 3 4 5 6, वो ये बोलते जा रहे थे, वाद्य यंत्र बजाते जा रहे थे। जावेद ने कहा रुक क्यों गए, आगे बढ़िए। वो आगे बढ़ते गए, ट्यून 13-14 तक पहुँच कर रुकी। जावेद ने कहा इसी को गाना बना देते हैं ना। लक्ष्मीकांत ने कहा ये तो नंबर हैं, ये ट्यून पर फिट किए गए हैं, इन पर गाना कैसे बन सकता है। जावेद ने कहा क्यों नहीं बन सकता, कोशिश करते हैं। कोशिश हुई और कामयाब रही। कितनी कामयाब, इसे यूं समझिए कि तेजाब की रिलीज से पहले माधुरी दीक्षित अमरीका गई थी, और जब वो वापस लौटी तो मुंबई के एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग उन्हें देखकर मोहिनी मोहिनी चिल्ला रहे थे। किस्मत की ही तो बात है, क्योंकि एक और मोहिनी, एक और कमाल की डांसर मीनाक्षी शेषाद्री भी थी, जिनको पहले तेजाब ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने पैसे और तारीख के चलते ये फिल्म छोड़ दी थी। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, कहीं सूरज डूबता है और ठीक उसी वक्त कहीं सूरज उग रहा होता है। सूरज के डूबने और उगने की कहानियाँ, वक्त के आगे बढ़ने की कहानियाँ रोजाना आपको बताएगा दी ललन टॉप।